टेंथ आप कहाँ से पढ़े थे? यहीं से पढ़े, यहीं से पढ़े थे। कितना नंबर आया था? 409। 409 नंबर? यस सर। यकीन नहीं हो रहा है, सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, यहाँ पे झूठ बोलने क्या बात है। 409 नंबर आया था? यस सर। तो मुझे तो बहुत अच्छा कोचिंग है कि यहाँ पढ़ के आपको 409 नंबर आया। यहाँ जो भी कोचिंग है वहाँ तीन टीचर नहीं, हर एक विषय के अलग अलग टीचर नहीं, अलग अलग टीचर नहीं है, पर यहाँ उपलब्ध अलग अलग टीचर। मतलब हर जगह अलग अलग टीचर नहीं रहते, लेकिन यहाँ अलग अलग टीचर है। यस सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? यस सर। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 90 डिग्री। हाँ, 1। यस सर। कोस 0 डिग्री। 1। 1। चलिए बहुत अच्छा। साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा। यस। बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल के माध्यम से आएंगे, गरीब स्टूडेंट रहेंगे लेकिन पढ़ने में टैलेंट रहेंगे, उनको क्या सुविधा दीजिएगा? देखिए, यहाँ जो भी आपको चैनल के माध्यम से आवेगा वो एकदम फ्री पढ़ाया जाएगा। और ऐसे भी नहीं, कैमरा देख के बोलिए, ऐसे भी नहीं, जैसे मतलब हर साल 8 से 10 स्टूडेंट, जैसे मैं टेंथ में हो गया, 12th में हो गया, सब मिला के 8 से 10 स्टूडेंट फ्री पढ़ता है हर साल। मतलब कहाँ से पढ़े? यस। कितना नंबर आया? 372। 372। बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर तो सब जीनियर स्टूडेंट हैं, झूठ उन्होंने बोले? नहीं सर, इन्हें किस सर के डर से मतलब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, 372 नंबर आया था। चेक कर सकते हैं? हाँ। नीरज सर के बारे में और सभी सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नीरज सर, विकास सर, शिव नारायण सर, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ। पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त सिखाया जाता है। ताली लगाइए एक बार। कितना नंबर आया था 10th? 409 नंबर आया। कितना? 409। 409 नंबर? यस सर। यानी 80+। 80+ है। बहुत सारे लड़कियां हैं, मतलब लड़के हैं, मतलब 80+ लाए हैं। यस सर, बहुत बहुत ज्यादा 10+। कैसे इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर कि बच्चे इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं? मेहनत करते हैं, अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके बाद वही चीज को यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, इसीलिए मतलब इतना। हाँ। एक मरीज है, अपना मरीज का मतलब दुख जान सकता है। जब तक 400 से ऊपर नंबर लाते हैं, चाहे बढ़िया मार्क्स लाते हैं, उनको आप लोग सम्मानित करते हैं कि नहीं करते हैं? एकदम पूरे बढ़िया से उसको सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर ही मतलब बता दिया जाता है क्लासे में कि जैसे मतलब इतना नंबर, 400+ नंबर लाएगा तो इस चीज से हमको सम्मानित, हम आप लोग के करेंगे, इतना पुरस्कृत किया जाएगा। जय हिंद। मैं हूँ प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं गया के सरबहदा बाजार में और सोशल क्लासेज के पास। अभी हम यहाँ से जा रहे थे तो कुछ बच्चों से पता चला है कि ये जो कोचिंग है इस क्षेत्र का सबसे सुपर कोचिंग है। यहाँ पर दूर दूर से बच्चे आते हैं और पढ़ाई करते हैं और अच्छे नंबर से पास करते हैं। हाल ही में अभी मैट्रिक और इंटर के एग्जाम हुआ है, उसमें बहुत सारे लड़के हैं जो मतलब 80 से मतलब बहुत परसेंट ज्यादा लाए हैं, मतलब 90% तक लड़के लाए हैं। इन लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पढ़ाई होती है, सर लोग से जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से पढ़ाते हैं जो बच्चे इतना अच्छा नंबर लाते हैं। चलिए हम क्लासरूम के अंदर चलते हैं और बच्चों से मिलने का प्रयास करेंगे। देखिए कुछ बच्चे हैं, खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ? बिक्की कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हैं? सोशल क्लास। सोशल क्लास में? किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th में। 11th में। कैसा लग रहा है यहाँ पर पढ़ के? पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा। यहाँ पर बहुत सारा कोचिंग है, आप सोशल क्लास में क्यों आए? यहाँ के पढ़ाई बहुत अच्छा देते हैं। कैसे कह रहे हैं कि अच्छा देते हैं? सीख जाते हैं सब, यहाँ के बच्चे लोग सब सीख जाते हैं। हाँ। तो नंबर ज्यादा लाते हैं। हाँ। यस। टेंथ में कितना कितना नंबर लाते हैं यहाँ पर बच्चे? टेंथ में 400+। 400+ रहता है? यस। मतलब एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र मतलब ज्यादा इसको बड़ा शहर नहीं बोल सकते हैं, इतना छोटा शहर में मतलब इतना नंबर लाते हैं। यस सर। तो आप लोग को पटना दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ता होगा? नहीं। आप 11th में? यस सर। आप भी उम्मीद करते हैं कि 12th में आप 80+ लाइएगा? यस सर। देखिए कुछ लड़कियां हैं, लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे। खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ? अमृता कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 11th क्लास। 11th क्लास में? हाँ। आप सोशल क्लास में क्यों पढ़ने आए, और जगह दूसरा जगह कहने गए? यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे से की जाती है, यहाँ तीन टीचर पढ़ाते हैं। हाँ। सभी विषयों का अलग अलग टीचर होते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है। हाँ। यहाँ जो भी क्वेश्चन देते हैं वो बोर्ड परीक्षा में टच कर जाते हैं। हाँ। और यहाँ सभी टीचर बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं। हाँ। अपनी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। हाँ। जैसे कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पूछते हैं तो उनको बताते हैं? तो एक बार नहीं, हजार बार बताते, बहुत बार बार बताते और हर बार बोलते हैं कि नहीं समझ में आता तो बार बार पूछो। मैंने पूछने पर गुस्साते नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। टेंथ आप कहाँ से पढ़े थे? यहीं से पढ़े। यहीं से पढ़े थे? कितना नंबर आया था? 409। 409 नंबर? यस सर। यकीन नहीं हो रहा है, सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, यहाँ पे झूठ बोलने क्या बात है। 409 नंबर आया था? यस सर। मुझे तो बहुत अच्छा कोचिंग है कि यहाँ पढ़ के आपको 409 नंबर आया। यहाँ जो भी कोचिंग है वहाँ तीन टीचर नहीं, हर एक विषय के अलग अलग टीचर नहीं, अलग अलग टीचर नहीं है, पर यहाँ उपलब्ध अलग अलग टीचर। मतलब हर जगह अलग अलग टीचर नहीं रहते, लेकिन यहाँ अलग अलग टीचर हैं। यस सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? यस सर।
साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 डिग्री बहुत अच्छा। साइन 90 माइनस थीटा हम लोग जो सांस लेते हैं कौन सा गैस लेते हैं सांस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जल का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O तो यहाँ पर पढ़ के कैसा लग रहा है? यहाँ पढ़ने से हमें लग रहा है कि इस बार भी 12th में भी इससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, मतलब उम्मीद है। यस सर। और जो वीडियो आपका देख रहे हैं उन लोग को क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर बुलाना चाहेंगे? हम जो भी हम चाहते हैं कि अगर वो कमजोर से भी कमजोर बच्चा तो यहाँ जरूर पढ़ने आए, क्योंकि वो भी कमजोर से हो जाएगी। फीस में डिस्काउंट किया जाता है? यस सर, बहुत यहाँ बहुत कम ही फीस में पढ़ाया जाता है। हाँ। और गरीब बच्चों को देखकर यहाँ चला जाता है। मतलब जो मेधावी रहते हैं मेहनती रहते हैं उनको मतलब फीस में डिस्काउंट किया जाता है? यस सर। क्या सपना है बनने का? मुझे डॉक्टर बनने का सपना है। चलिए लिख लिए ताली लगाइए एक बार, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए बोले। मेरा भगवान से शुभकामना भी है कि एक डॉक्टर बने और समाज का सेवा करें। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए आप। क्या नाम हुआ? कुमकुम कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 11th क्लास। यहाँ पर सभी 11th के बच्चे हैं? हाँ। 10th कहाँ से पढ़े? यस। कितना नंबर आया? 372। 372? हाँ। क्या बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर तो सब जीनियर जीनियर स्टूडेंट हैं। झूठ उन्होंने बोल रहे हैं? नहीं सर। इन्हें किस सर के डर से मतलब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, 372 नंबर आया था। चेक कर सकते हैं? हाँ। कैसा लगा था यहाँ पर पढ़ के? बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। यस सर। मतलब ऐसा नहीं ना महसूस हो रहा है कि यहाँ पर आके मतलब पैसा उसे देके फंस जाता है? नहीं। कुछ ना कुछ ना बताते हैं? क्या बताते हैं? हाँ, सब चीज बताते हैं। हाँ, मैथ उथ में सब चीज, सब विषय में अलग अलग टीचर है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 बहुत अच्छा। बैठिए, चलिए कुछ पीछे का स्टूडेंट से बात करने का प्रयास करेंगे। खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ? संजीव कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 11th। 11th में। 10th कहां से पढ़े थे? यहां से। यहां से। कितना नंबर आया था? 283 नंबर आया था। कब कैसे आ गया जी? बहुत से लड़के आके 400 नंबर, आपके 283 आया। मैं इस समय 3 महीने का कोर्स किया था। 3 महीने का कोर्स किया था यहां से? यस सर। हां, तो कैसा लगा था पढ़ के यहां पे? अच्छा लगा था। अभी कैसा लग रहा है पढ़ के? अभी भी अच्छा लग रहा है। समझाने का तरीका कैसा है सर का? बहुत अच्छा है। एक बार यदि नहीं समझ में आता है तो 10 बार समझाते हैं। हाँ। क्या लग रहा है कि मतलब 12th में बढ़िया नंबर आएगा? हाँ सर। हाँ सर, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। कुछ और स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ? शिवम कुमार सर। कैसा लग रहा है पढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इस क्षेत्र में बहुत सारा कोचिंग है, आप सोशल क्लास में क्यों आए पढ़ने? सोशल में नंबर यहाँ आता है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और बहुत अच्छा से स्टूडेंट का व्यवहार का। टेंथ कहाँ पर से पढ़े थे? सर, टेंथ हम क्रॉस किए थे 3 महीने के सर। यहाँ नहीं किए थे क्रॉस। क्रॉस कोर्स किए थे? हाँ। हाँ। आया 250 नंबर आया सर। 250? नहीं, 50। 250? 3 महीने अलग जगह कर रहे थे, लेकिन आपको वहाँ पार नहीं लगा, लेकिन यहाँ तो 250 आया। यस सर। हाँ। क्या लगता है कि और पहले से पढ़ते थे बढ़िया नंबर आता? हाँ यस सर, बहुत पहले से हम लोग। धोखा हो गया आपके साथ? यस सर। अब आगे आने वाला स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं? आने ये जो 12th के ही क्लास करेगा सर, अभी हम 12th। कौन क्लास से कौन क्लास यहाँ पढ़ाई होता है सर? 8, 9, 10, 11, 12th होता सर। हाँ। ग्रेजुएट जो होता है जो क्लास मान कर 3 महीने सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। यस सर। हाँ। अच्छा, नीरज सर कैसा पढ़ाते हैं? नीरज सर बहुत अच्छा पढ़ाता है सर मैथ का। देखिए, अंत में हम सर से जाते जाते बात कर लेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल पर। जितने भी साथी हमको देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज के माध्यम से, सभी को जय हिंद। बताइए कैसे पढ़ाते हैं सर कि बच्चे इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं? देखिए, जिस ढंग से मतलब सीखते हैं देहाती भाषा में समझाने के लिए कोशिश करते हैं, और ऐसा मतलब फीले नहीं कर देते हैं कि मतलब नहीं सीख पाता है। यहाँ सिखाया नहीं जाता है, यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त सिखाया जाता है। सर के लिए बताइए, लगाइए। अच्छा सर, गांव के बच्चों को समझाना बहुत कठिन हो जाता है सर, क्योंकि इन लोग का मतलब जो बेसिक होता है सर बहुत कमजोर होता है, उसको किस तरह से क्लियर करते हैं? उसको समझिए कि कहे का मतलब, उसको ढंग से जिस समय एक को तोड़ तोड़ के एक को मतलब पॉइंट को मतलब समझाया जाता है धीरे धीरे एकदम। हम एक चैनल लाए हैं, मतलब एक सीरीज लाए हैं मैथ का अस्पताल, ठीक है ना। वो जो जितना भी कमजोर स्टूडेंट रहे, ठीक है, उससे मतलब एकदम समझिए कि हैबिट हो जाएगा, सीखे जाएगा। सर, क्या मन में आया सर कि मतलब सर्वहदा में आप कोचिंग खोले? बहुत जगह मतलब बड़ा बड़ा शहर में जाके भी आप खोल सकते थे, यहाँ क्यों खोले? देखिए, हमको मतलब इसी में रुचि था कि मतलब हमको पढ़ाना है। नाम भी रखे सर, सोशल क्लास है। हाँ, समाज सेवा करना है जी।
बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल के माध्यम से आएंगे, गरीब स्टूडेंट रहेंगे लेकिन पढ़ने में टैलेंट रहेंगे, उनको क्या सुविधा दीजिएगा? देखिए, यहाँ जो भी आपको चैनल के माध्यम से आवेगा वो एकदम फ्री पढ़ाया जाएगा। और ऐसे भी नहीं, कैमरा देख के बोलिए, ऐसे भी नहीं जैसे मतलब हर साल 8 से 10 स्टूडेंट, जैसे मैं 10th में हो गया, 12th में हो गया, सब मिला के 8 से 10 स्टूडेंट फ्री पढ़ता है हर साल। मतलब जो भी मेरे, हैं जो भी मेरे चैनल के माध्यम से आएंगे, गरीब रहेंगे, आप मेहनती रहेंगे, उनको फ्री पढ़ाएगा, एकदम फ्री पढ़ाया जाएगा। आपको चैनल के माध्यम से जितना भी आवेंगे, जो मतलब देने की इच्छुक नहीं है पैसा, वो एकदम 100% बोल रहे हैं, जो कमी बोल रहे हैं, एकदम फ्री पढ़ाया जाएगा, एकदम 100% फ्री में पढ़ाया। अच्छा नंबर एकदम उतने एनर्जी से पढ़ावेंगे, उतने जोश से। हमारे ही 4 टीचर हैं, ठीक है, और वही जोश वही जुनून से पढ़ावेंगे। हाँ जी, कुछ के मतलब पैसा नहीं रहता, उनको फ्री में पढ़ाते हैं, बच्चे भी जवाब दे रहे हैं। हाँ, तो रियलिटी है, जिसमें और भी जिसमें जो भी देने के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं पैसा, जिसमें मान लीजिए कि बहुत ही गरीब सहा है, तो जो देते हैं जो भी रख लेते हैं। तो आप लोग अपना मजबूरी समझते हैं, एकदम कहीं ना कहीं मतलब हम लोग भी बहुत गरीब से उठे हैं, ठीक है, हम लोग भी अमीर नहीं है, इसीलिए हम लोग गरीब के मजबूरी समझते हैं कि हम लोग भी किस तरह से पढ़े थे, ताकि बच्चों को भी अच्छा से पढ़ाएं, ताकि अच्छे आगे मतलब नाम रोशन। हाँ एकदम, हमको यही है, ये है, यहाँ ड्रीम दिया जाता है 450 प्लस, ठीक है ना। मैथ में 100 नंबर मतलब लड़के लाए हैं सर, कितना नंबर आया आपके पास? मेरा देखिए, इंटर में आया है 436 हाईएस्ट नंबर आया है, और 400 प्लस वाला 10th क्लास इन साल आया है, लमसम 12 से 13 को स्टूडेंट लाया है। ग्रामीण मतलब क्षेत्र का ये मतलब कोचिंग से इतना नंबर ला रहे हैं, मतलब अपने आप में काबिले तारीफ है। हाँ, वो तो मत कहिए, तो आप ही देख ही रहे हैं उधर सब वीडियो के माध्यम से। कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होती है सर? मतलब टोटल ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, ऑल सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है, ठीक है। और जैसे कहे कौन क्लास तक, मतलब 8th से लेकर 12th तक, ISC तक, समझे। और प्लस मतलब हो गया, मतलब कुछ बोलता है, पारा मेडिकल हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, एक्स्ट्रा में पढ़ाया जाता है। अच्छा, आप लोग से कोई कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं सर? कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, और मतलब व्हाट्सएप के चैनल पर, और मेरा मतलब इंस्टाग्राम भी चलता है, उसमें मतलब डाला हुआ नाम से चलता है, सोशल क्लासेस 4297 है मेरा चैनल का नाम है। सर से बातचीत करके काफी अच्छा लगा, जाते जाते और कुछ बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। खड़ा होइए, क्या नाम हुआ? राम कुमार सर। जैसा सर बता रहे थे, मतलब सही बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे? सही बोल रहे थे सर। जो गरीब स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनको मदद करते हैं? यस सर। मदद करते हैं? यस सर। अच्छा, फीस उस इनका कितना है, मतलब ज्यादा है कि मतलब नॉर्मल है? नॉर्मल है सर, मतलब कोई भी अफोर्ड कर सकता है। यस सर। कैसा लग रहा है पढ़ के? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा लग रहा है? यस सर। अभी 11th में? यस सर। 10th कहाँ से पढ़े थे? 10th खोखड़ी में अपने गाँव में किए थे, उज्जवल सर के पास। अभी 11th में पढ़ रहे हैं, तो 11th में पढ़ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कुछ सवाल कर सकते हैं? यस सर। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है? दूरदृष्टि में उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, चलिए बैठ जाइए। देखिए, जाते जाते सर से भी बात कर लेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है, बोलिए सर। कैसे इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर कि बच्चे इतना से जवाब दे रहे हैं? मेहनत करते हैं, अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके बाद वही चीज को यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, इसीलिए इतना। एक मरीज है, अपना मरीज का मतलब दुख जान सकता है? जब तक आपने नहीं पता लगेगा, तब तक इसको कैसे सिखाएंगे? अपने अनुभव से मतलब इन लोगों को सिखाते हैं, सिखा इसको दिक्कत हो रहा है? हाँ, पहले अपने स्टडी कर लेते हैं बारीकी से। हाँ। कि कौन कौन पॉइंट स्टडी करे, कहाँ पर बच्चों को दिक्कत होता है, पहले उसको स्टडी कर लेते हैं, फिर वही पॉइंट को लाके बच्चा को क्लियर कर देते हैं, ताकि इसको दिक्कत ही नहीं होवे। बहुत अच्छा लगा सर से बातचीत करके, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ? अंशु कुमारी। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत सारा कोचिंग है यहाँ पर, तो मतलब सोशल क्लास में क्यों आए? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। क्या उम्मीद है कि मतलब 12th में 80 प्लस आ जाएगा? जी सर। टेंथ कहाँ से पढ़े थे? यहीं। टेंथ यहीं से पढ़े थे? टेंथ में बढ़िया नंबर आया था ना? चलिए, पीछे भी कुछ और बच्चे हैं, खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। किस क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? 11th क्लास में। 11th क्लास में? यस सर। तेज लग रहे हैं तुम। बोलिए। हाँ ठीक है, कुछ सवाल कर सकते हैं? करिए। कौशिक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट का थीटा बराबर? कौशिक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या से 23 जोड़ा वाले। 23 जोड़ा? हाँ, 23 जोड़ा। और ऐसे संख्या में? संख्या 46 को। 46 को? हाँ। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस लगाया जाता है। अवतल लेंस। कैसा लग रहा है यहाँ पर पढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनने का सपना है? क्या बनने, आगे चलकर कुछ करना चाहिए। कुछ करना चाहिए सोशल क्लास। अभी नहीं सोचे? अभी सोच लिए हैं। सोच लिए? कुछ भी करना है आगे बढ़कर। क्या मतलब, डिफेंस में जाना है कि और कुछ दूसरा लाइन में जाना है? नहीं, डिफेंस में जाना है, आगे कर कुछ अफसर उफसर कुछ बनना है। हाँ। यही सब बनना है और क्या। चलने के लिए ताली लगाइए एक बार, कम से कम सपना तो है, और भगवान का सपना जरूर पूरा करें। अच्छा, नीरज सर के बारे में और सभी सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नीरज सर, विकास सर, शिवनारायण सर, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ, पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त सिखाया जाता है। ताली लगाइए एक बार।
नंबर आया था 10th? 409 नंबर आया है। कितना? 409 नंबर। यस सर। यानी 80 प्लस? 80 प्लस है। बहुत सारे लड़कियां हैं, मतलब लड़के हैं, मतलब 80 प्लस लाए हैं। यस सर, बहुत बहुत ज्यादा 10th प्लस लेकर 400 प्लस नंबर आया। मतलब एक छोटा सा शहर का ये सोशल क्लास है जो मतलब इतना नंबर ला रहे हैं आप लोग। यस सर। और सभी स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं? और सभी स्टूडेंट पढ़े और लावे, नंबर लाओ, सोशल क्लास को आगे बढ़ाओ। यस सर। अच्छा सर, मतलब जो मतलब 400 से ऊपर नंबर लाते हैं, चाहे बढ़िया मार्क्स लाते हैं, उनको आप लोग सम्मानित करते हैं कि नहीं करते? एकदम पूरे बढ़िया से उसको सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर ही मतलब बता दिया जाता है क्लासे में कि जैसे मतलब इतना नंबर 400 प्लस नंबर लाएगा तो इस चीज से हमको सम्मानित हम आप लोग के करेंगे, इतना पुरस्कृत किया जाएगा। ये मतलब इसमें सब यहाँ सुविधा रहा जाता है। बच्चे उतना नंबर लाए उनको सम्मानित किया गया? हाँ सब टोटल केस सम्मानित किया गया है। मेरा फेसबुक में इंस्टाग्राम में सम्मानित जो किया हुआ है सब डाला हुआ है। उनका फोटो भी हम लगा देंगे सर, मतलब अगर आप लोग को लग रहा है कि झूठ बोल रहे होंगे तो उसका फोटो भी हम लगा देंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बैनर लगा हुआ है, सोशल क्लास है, क्लास 4 8th से लेकर मतलब 12th IAS ऑल सब्जेक्ट और भी लेते हैं यहाँ पर कुछ मतलब पढ़ाया जाता है जैसा सर बताए हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर किए, सर लोग से मिलकर काफी अच्छा लगा। आप लोग को अगर यहाँ आना है तो आप लोग सरबहदा बाजार में आइए, सरबहदा बाजार से मतलब पूरब साइड में। हाँ पूरब साइड में है सर, सोशल क्लासेस होंडा शोरूम के बगल में है। और मतलब आके जब हमको अच्छा पढ़ाई लगता है तो आके पढ़ के देखिए 2 से 3 दिन में, और अच्छा लगता है तो टिकिए, नहीं लगता है तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जबरदस्ती नहीं है, यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है। यहाँ जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त सिखाया जाता है। बहुत अच्छा लगा सर से बातचीत करके। मैं था प्रसाद प्रदुमन यादव, हमारे साथ मौजूद थे सोशल क्लासेस के टीचर नीरज सर। आपका नाम सर? विकास सर। विकास सर, जय हिंद।